I also met Karan. It is all about loving yourself. मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, नया लैपटॉप आ गया मेरे पास. ये मेरा सेकंड लग्जरी बैग है. She's like कि मेरा हेयर अच्छा नहीं लग रहा है. ब्रो अभी कुछ कुछ किया नहीं हमने तेरे बालों में. 1,63,000 हमने बहुत सारे पैसे बचा लिए. डिस्को दीवानी. Okay, I don't know a single person here. मेरे एक दो कॉस्ट्यूम्स के साथ काफी गंदा हुआ है. Hi everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. Guess करो मैं कहाँ हूँ. मैं भोपाल आ चुकी हूँ अपने घर में. अपने रूम में हूँ मैं इस वक्त. आप लोग सोचोगे कि शालिनी मुंबई शिफ्ट क्यों ही हुई है. अभी तो दो हफ्ते पहले घर पे थी, फिर दो हफ्ते बाद फिर घर वापस आ गई. एक्चुअली क्या है, मेरी जो बचपन की दोस्त है, सहेली है, दिव्यता, उसकी शादी है. वो USA में रहती है. USA में ही उसका जॉब है. एप्पल कंपनी के लिए काम करती है वो. एंड अभी कुछ महीने पहले ही आई थी शादी की शॉपिंग के लिए. एक दो व्लॉग में आपने देखा होगा उसकी शादी की शॉपिंग के लिए हम लोग गए थे. एंड नाउ शी इज़ हियर. हर वेडिंग इज नाउ हैपनिंग एंड वी हैव सो मच टू डू. आई एम गोना बी ब्राइड्समेड अगेन. आउटफिट्स सारे डिसाइड हो चुकी है, बस फिटिंग वगैरह चल रही है. अब आउटफिट्स की ज्वेलरी डिसाइड करना है, प्रॉपर ज्वेलरी. हल्दी मेहंदी का मेकअप और हेयर मैं करने वाली हूँ उसका. सुपर एक्साइटेड एंड नर्वस अबाउट दैट एज वेल. मुझे मेरे आउटफिट्स भी डिसाइड करने, अभी तक सब डिसाइड नहीं हुआ है. संगीत का डांस परफॉर्मेंस डिसाइड करना, वो भी डिसाइड नहीं है. वी ओनली हैव लाइक अ हफ्ता लेफ्ट फॉर इट, फॉर द वेडिंग टू बिगिन. और हाँ, एक बहुत बड़ी न्यूज, एक्साइटिंग न्यूज आप लोग के लिए. ड्रम रोल प्लीज. आई एम गेटिंग अ न्यू लैपटॉप. दिव्यता ऑलरेडी लेके आ चुकी है वो लैपटॉप मेरे लिए. मैकबुक M3 प्रो 1 TB लैपटॉप मैंने खरीदा है. आपको पता ही है कि 2019 में ये लैपटॉप मैंने खरीदा था. ये भी मैक का, ये भी दिव्यता लेके आई थी. क्योंकि वो एप्पल के लिए काम करती तो उसको 25% ऑफ मिलता. दैट्स द रीजन आई आस्क हर टू गेट मी एप्पल का लैपटॉप. वो आई रही थी और अभी लॉन्च ही हुआ है 3 हफ्ते पहले M3. सो वो लैपटॉप भी हम लोग देखेंगे. लियो भी आ चुका है रूम में. लियो से मिल लीजिए आप लोग. देखो कौन आया रूम में. इट्स लियो बट बट. लियो दीदी, जब से मैं रूम में आई हूँ ना, वो तीसरी बार आ चुका है. इज दिस द यूजुअल थिंग ही डज और इज दिस मी. मेरे लिए आया ना लियो. पूछ ला दे, बता दे मेरे लिए आए, बता दे सबको. रो क्यों रहे हो बाबा? क्या दिव्यता का रूम थोड़ा शादी वाला रूम लग रहा है? आई डोंट नो. हियर कम्स द ब्राइड टू बी. हेलो. शी इज जेट लैग्ड. या अबे मैं हमेशा जेट लैग्ड आती हूं. ऑनेस्टली लोगों को लगता है मैं कितनी मरी हुई रहती हूँ. पर दिस इज द रियलिटी यार. तो जैसे आई है तो काम पे लग गई है और तेरे पास समय भी नहीं है. yes. और दुल्हन के पास तो समय रहता ही नहीं है वैसे. मैं आई हूँ और एक पूजा हो गई है और मुझे पता नहीं कि मैं क्या करके. दिव्यता मुझे कहती है कि मेरी एक पूजा हो चुकी है. तो मैंने कहा गॉडेस दिव्यता तुम्हारी पूजा हो. बोलती नहीं, एक पूजा करके आई हूँ. तो मैंने लिटरली हिंदी का जो मीनिंग है ना, होता है ना, वो ले लिया था दिव्यता. बट हाय दिव्यता, हिंदी कमजोर है तुम्हारी, ऐसा कह रही हो. क्या बोली? हिंदी कमजोर है तुम्हारी. शट अप. 63 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से. तो हमारे क्लास के टॉपर्स कौन कौन थे? दिव्यता और सौरभ. सौरभ मेरा भाई है. वो दोनों के बीच में बस फर्स्ट सेकंड रैंक में चलता रहता था. ठीक है, बट हमारी कोई कंपटीशन नहीं थी. ओके, वी वर हेल्दी कंपटीशन. हम बहुत हेल्दी कंपटीशन. हम दोनों इक्वली चिल लोग. बाकी लोगों की कंपटीशन आती थी, हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता. बट ये टॉपर्स थे. मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट. मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज से. व्हाट इज गोइंग ऑन दिव्यता? व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर यू. You got me a bag. But Divya, this will be like shit expensive, bro. No, it's not. Are you sure? Yes. But oh my god, this is so cool. ये मेरा second luxury bag है. I think third luxury bag. और तीनों gift ही मैंने खुद से कुछ नहीं खरीदा. Very good. I'm so happy. And this is such a nice color also, यार. Michael Kors. I pronounced क्या ना मैंने? Michael Kors. नहीं नहीं यही ना? मम्मी तो. इसमें सब सामान आ जाएगा ना मेरा. वो मेरे कैमरे वो नहीं पता यार मुझे. खड़े होके देख तेरे पे कैसा दिख रहा है. मेरे को थोड़ा मेरे लिए बड़ा लग रहा था. हाँ हाँ. नहीं, बैग का शेप आल्सो इज फाइन राइट फॉर यू. इट्स परफेक्ट ब्रो. ये शेप अच्छा है. ये चल अब काम करें. ओ मेरा लैपटॉप. लुक एट माय न्यू लैपटॉप इन अ वेरी इंडियन बेडशीट. उस पे रख ले. किस पे? नहीं ठीक है, ले दिव्यता तेरे ब्लैंकेट. यस ब्लैंकेट. दिव्यता ने बोला कि वो खोखा इसलिए लेके नहीं आई है क्योंकि कस्टम चार्जेस लग सकते थे. यू नेवर नो, विच इज टोटली ट्रू. मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, नया लैपटॉप आ गया मेरे पास.
I'm not sinking this in. I got this laptop for 1,63,000 rupees. No, 1,63,000. हमने बहुत सारे पैसे बचा लिए. Divita is saying almost 1,00,000 rupees. We are looking into Divita's makeup pouch. It looks very pouch luxurious. Pouch बोल दिया गया है. Pouch. It's not a makeup bag. It's a pouch. It's a pouch. But नहीं, बंदी ने बहुत अच्छे-अच्छे आइटम खरीद के लेके आई है. Look at this. This is Charlotte Tilbury का ये airbrush. Giorgio Armani का foundation. Very nice Divita. मैंने ले लिया. Nice. गुड कलेक्शन दिव्यता. गुड कलेक्शन. कैसे एक एक करके दिखा रही है. मैं बता आपको क्या दिखा रही थी. ये फेंटी, ये भी देखना. हाँ, YSL का लिपस्टिक. लिपस्टिक. इट लुक्स लाइक अ वेरी लग्जरियस लग्जरी मेकअप बैग. यस. बट डू यू नो हाउ टू यूज दीज मोस्ट थिंग्स नाउ आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज दिव्यता. नो. अभी तक मुझे एक्चुअली आई स्टिल डोंट नो हाउ टू यूज इट. फिक्स प्लस. मुझे नहीं पता कि ये कितनी दूर से कितने कैसे स्प्रे करना है. तो मैंने एक दिन सोचा था मैं कहीं तो भी जा रही थी. फिर मैंने सोचा करूँ कि नहीं करूँ. करूँ कहीं तो भी जा रही थी. मुझे लगा कि मैं कचरा कर दूंगी जितना भी मेकअप किया उसका. मैथ इज नॉट मैथिंग डिस्टेंस. समझ नहीं आ रहा. मुझे पता ही नहीं कितनी दूर क्या करना है. शी हैज फेंटी ब्लशेस एंड शी वाज लाइक ये तो पुराने हैं. ठीक है, मैंने बोला पुराने. फिर मैंने एक खोल के देखा तो बंदी ने, प्लीज खोल के बताएं दिव्यता, शी हैज नॉट इवन डिप्ड हर फिंगर इन दिस एंड बोल रही पुराने ही है. इट लुक्स लाइक फ्रेश न्यू ब्रो. लाइक कल लिया तूने इसको. ठीक है. हेलो दिव्यता की शादी है. व्हाट आर यू डूइंग फॉर द वेडिंग? दे आर गार्डिंग. कूद गया मुझे. डांस कर रहे हैं क्लियरली. डांस कर रहे हैं. डांस प्रैक्टिस होगी तुम दोनों की? हो गई हो गई. ये कौन सा स्टेप है दिव्यता? अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं और दिव्यता पसीने पसीने में इसलिए क्योंकि हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और एक सॉन्ग तो हमारा हो गया चित्ता कुकड़ वाला. हाँ, मुझे रियलाइज हुआ है जितनी मैंने डांस वीडियोस देखी है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, एवरी अदर न्यू सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, लाइक द पीपल हु आर इन्फ्लुएंसर्स, नॉट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैव बिकम पॉपुलर because of some other wedding. बहुत सारे यार, बहुत सारे. खुद की शादी मुझे भी कॉमेंट आएंगे कि देखो अपनी दोस्त की वेडिंग को कॉन्टेंट. अभी हम लोग ज्वेलरी देखने के लिए जा रहे हैं. AGS जा रहे हैं. वेडिंग ज्वेलरी जो है उसकी ट्रायल होगा विद दुपट्टा, क्योंकि हमने जब बुक किया था तब दुपट्टे के साथ ट्रायल नहीं किया. तो दूसरे बहुत ज्वेलरी भी लेनी है. AGS से बहुत अच्छी मिलती है. आई एम अ पर्सन हु मिनिमलिस्टिक पर्सन इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड. तो अभी मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि मैंने अच्छे से तू तो फिर मेरी जुड़वा बहन है और काफी लोग के साथ रिलेट कर पाएगी तू, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज है जीवन में. मैं ले आई हूँ फिर मुझे लग रहा है कि लिया है सही लिया है कि नहीं. तो एक बार शादी करनी है तुमको तो ट्राई, जितना भी तुमको ट्राई मारना. आर यू चिल ब्राइड? आई थिंक शी इज बिकॉज ऑफ मी. हाँ, बिकॉज ऑफ हर. यस, दैट इज आई एम गोना टेक क्रेडिट 100%. मेरे एक दो कॉस्ट्यूम्स के साथ काफी गंदा हुआ है, बट आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि मैंने उसके बारे में सिर्फ 5 ही मिनट सोचा. गाइस, हम लोग AGS आ चुके हैं. दैट्स मी. आंटी अपने व्लॉग को हाय नहीं बोला. नमस्ते यार. दो आंटी. आंटी ओके. सो दिस इज हमारे वेडिंग का, हमारी नहीं दिव्यता के वेडिंग का दुपट्टा. और ये फ्रंट वाला दुपट्टा है, ये सर वाला दुपट्टा है. एंड दीज आर द ज्वेलरी दैट वी सिलेक्टेड. एक चोकर है, ठीक है, एंड देन लॉन्ग नेकलेस, इयररिंग्स दूसरे हमारे, एंड देन मांग टीका. एकदम वैसा कियारा अडवाणी वाला जो लुक फेमस हुआ ना दिव्यता, वैसा है तुम्हारा. वैसा लुक नहीं चाहिए, बट आई थिंक पिंक के साथ ग्रीन ही अच्छा लगेगा. तो यू ट्राई ना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है. शी इज लाइक मेरा हेयर अच्छा नहीं लग रहा है ब्रो. अभी कुछ कुछ किया नहीं हमने तेरे बालों में. मुझे तो ज्वेलरी बहुत फाइन लग रही है. एंड यू आर राइट एक्चुअली, आई थिंक वी शुड डू ओपन हेयर इंस्टेड ऑफ जूड़ा. वी डिसाइडेड लॉट मेनी थिंग्स, बट तुझे तो वो ज्वेलरी अच्छी लग रही है ना अपनी वेडिंग वाली. अब अच्छी लग रही है तुझे? बट अभी हम लोग गाड़ी में पेटीज खाने वाले हैं. मजा मजा बहुत हेक्टिक होता है यार ज्वेलरी डिसाइड करना. मेरा तो सोशल बैटरी वॉज ऑल ड्रेन आउट. आई वॉज एट वन पॉइंट आई वॉज लाइक दिव्यता हम लोग घर आ गए. वी आर डूइंग डांस प्रैक्टिस. म्यूजिक तो ऐड नहीं करूंगी मैं. दिस इज हल्दी वाला. तो फिर तू आ गया ना, मैं क्यों आ गई? क्यों आ गई? इट डजंट मैटर, तुम्हारी शादी है.
डांस प्रैक्टिस के बाद आई एम बैक होम. कवरेज भी चेंज कर लिए हैं, थोड़ी ठंड लग रही है तो स्वेटर पहन लेना चाहिए मुझे. एनीवे अभी मुझे कल के लिए पैकिंग करनी है क्योंकि कल मैं जा रही हूँ मुंबई एक दिन के लिए, क्योंकि देर इज दिस इवेंट करण जौहर और माइक लैम का कोलैबोरेशन है जहाँ पे वो लोग माइक लैम पाउट लिपस्टिक लॉन्च कर रहे हैं. एंड मेरी एजेंसी ने मुझे बोला, जिनके साथ मैं हूँ हनीकॉम वालों ने मुझे बोला, मेरी मैनेजर जो हनीकॉम से, उन्होंने मुझे बोला दैट आई शुड अटेंड दिस एंड इट्स अ इन्वाइट ओनली इवेंट. मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ. बेसिकली आउटफिट जो है वो ब्लिंग है फॉर द इवेंट. आई डोंट हैव एनी ब्लिंग आउटफिट, तो मैं जीवा डिजाइनर स्टूडियो जाने वाली हूँ. देवता को भी लेके चले जाएंगे हम लोग कल ही एंड वी विल फाइंड सम आउटफिट देयर फॉर ourselves. और आपको पता है मैं कैसे जा रही हूँ. सो भोपाल से मुंबई फ्लाइट जो है मुझे डायरेक्ट मिल रही थी, बट वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी, तो मैंने अपनी फ्लाइट इंदौर से बुक किया. और यहाँ से मैं इंदौर जाऊंगी बेसिकली. पहले रात के 11 बजे की मेरी बस है, अच्छी बस है वो इंदौर के लिए. बट आई एम काइंड ऑफ नर्वस ऑल्सो बिकॉज ऐसे रात को ट्रैवल करना थोड़ा ऐसा डर लग रहा है. बट आई विल मैनेज, यस आई विल मैनेज, सब अच्छा होगा. अच्छा सोचो कि अच्छा होगा. तो हाँ, वो बस से मैं पहुँचूंगी इंदौर करीबन 2:30 के आसपास. एंड देन वहाँ से आई विल डायरेक्टली गो टू एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पर थोड़ा वेट करेंगे एंड सुबह 5:40 की फ्लाइट है मेरी. तो जी हाँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं करण जौहर से मिल सकूँ और मैं इस इवेंट का पार्ट बन सकूँ. इट्स अ न्यू डे. देवता के घर आ चुकी हूँ मैं वापस. कपल ऑफ थिंग्स वी वांट टू डू टुडे. हम लोग ज्वेलरी आउटफिट के साथ अरेंज करके देखेंगे कि किसके साथ क्या जा रहा है और क्या क्या हमको और खरीदना है. कल हम लोग ने एजेस से भी काफी ज्वेलरी खरीदी, आंटी की लहंगे और आउटफिट्स के लिए भी ज्वेलरी वगैरह खरीदी. ऑल्सो वी वॉन्ट टू प्रैक्टिस अनदर सॉन्ग टूडे, राइट, डिसाइड द स्टेप फॉर दैट. एंड देन आई एम ऑल्सो लीविंग टू नाइट फॉर इंदौर. कल एक इवेंट है मुंबई में, वहाँ अटेंड करूंगी, फिर परसों वापस आऊंगी. तो वन डे आई एम नॉट हेयर. आई थिंक शी कैन सर्वाइव विदाउट मी फॉर अ डे. वन डे आई ट्राई. कितने अच्छे से बॉक्स में आया यार, दिस इज सो नाइस. ये वाला आई थिंक ये शादी वाला है ना. हाँ, द लाइट पिंक. हाँ नहीं, वो शादी का नहीं, व्हाइट साड़ी के साथ लिया है मम्मी ने मेरी. हाँ तो जो भी है बहुत ही सुंदर है यार. ये कहाँ से लिया आंटी ने? ये इंदौर. भोपाल में नहीं मिलते ये सब. दिस वॉज सपोज टू बी दिव्यता का वेडिंग का लहंगा. ये वेडिंग रिसेप्शन होगा ना. ये अगर शादी का बात करें, प्रॉपर शादी का, इट्स योर साड़ी, फेरे इज साड़ी एंड दिस इज लाइक रिसेप्शन. रिसेप्शन इज लहंगा. ये तो ये हमारा सिल्वर है, ये बन के आ गया है गोल्ड. तो वी आर मेकिंग वन राइट नाउ विथ ऑल दिस चूड़ियां. कितना सारा है ये दिव्यता. दिस वॉज पता है यहाँ तक भरा था ये. तेरा हाथ ही फुल हो जाता है उसमें. लाइटर भी चाहिए. हाँ, मेरे को लगता है थोड़ा मिक्स कर देते हैं. सो बेसिकली इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब 2-6 वाले हैं और 2-6 दिव्यता का साइज है ही नहीं, 2-8 है उसका साइज. सो बड़ी मुश्किल से कुछ उसको फिट हो पा रहा था. वी हैड टू डू सम रीअरेंजिंग और अब नए बैंगल्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी. पैन होते यार नहीं आ पा रहा है. पूरा सेट बर्बाद हो रहा है यहाँ पे. क्या कर रही हैं आप? राइट हैंड लोगों का होता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड. पर तेरा तो 2-6, मेरा साइज भी 2-6 है. अपडेट, जैसे तैसे हम लोगों ने खुद अरेंज करा के सेट बना लिए हैं. दिस इज हर हल्दी का सेट, ठीक है, दिस इज हर फेरे वाला सेट. बट अभी भी हमारा रिसेप्शन रह गया है जो देहरादून में होगा एंड एक साड़ी रह गई है उसका लेना है एंड वेडिंग वाला लहंगा. दिव्यता भी मेरे साथ आई है. वी रीच जीवा डिजाइनर स्टूडियो. लेट्स ट्राई सम ब्लिंगी आउटफिट हियर. आई होप वी विल फाइंड समथिंग. प्लीज. हेलो मुस्कान. सो वी आर ट्राइंग दिस टू आउटफिट. आई रियली लाइक इट. एकदम राइट अमाउंट ऑफ ब्लिंग इट हैज. ऑल्सो हैव अदर ऑप्शंस जैसे ये वाला है. वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस. दिस ऑल्सो नाइस ना दिव्यता. दिस एनी पैन सूट है बट आई हैव टमी तो आई डोंट थिंक सो. बट दैट लुक सो गुड ऑन कैमरा. दिस इज एन ऑप्शन ऑल्सो. ओके सो दिस इज वन आउटफिट ऑप्शन. थोड़ी फिटिंग करवाई हम लोगों ने इसकी बट आई लाइक इट. मतलब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा हमको. इट इज बैकलेस और इसको थोड़ा और यहाँ आना दिव्यता कि ये मैं थोड़ा ऊपर पहनूँ. दिस इज अनदर आउटफिट. ओके आई लव दिस द कलर द फैब्रिक एवरीथिंग द शिमर. बट ये थोड़ा यहाँ से आप लोग समझ रहे हो ना. वी कांट वेयर दिस. दिस इज ऑप्शन नंबर 3. ये मुझे कलर सबसे बेस्ट लग रहा है. और अगर ये मेरे बॉडी टाइप के लिए बना होता तो दिस वुड हैव बीन माई डिस्को आउटफिट. या
देन आई कुड हैव डन दिस को दीवानी आहा ओके अभी हम लोग 10 नंबर मार्केट आए हैं थोड़ा बहुत काम के लिए वी हैव सो मेनी स्टफ हाथ में भी स्टफ एंड माई ब्राइड इज ईटिंग आई टोल्ड हर कि ब्राइड शुड नेवर बी हैंगरी तो मैं और ले आई इसके बैग में भर दिया मैंने जैसे ही गुस्सा है हाँ जैसे ही गुस्सा है टेक अ बाइट सोचो 2-8 साइज मेरा भी नहीं है बट आपका साइज 2-8 है वी बॉट सम मोर बैंगल्स अभी तो इतना ट्राई कर ले बेचारे को 2-8 भी नहीं आ रहा और ये हमारा जो शादी वाला जिस दिन बर मारा चढ़ेगा ना उसका लिया ये 2-8 है ये मेरे मॉम साइज है तुम्हारा काम है हमारा काम है आई एम बैक होम आउटफिट मिल चुका है मुझे दिस इज लियो मैं बच्चा अभी हम उसको कोन पहना के रखते क्योंकि कान को खुजाता रहता है वो मैं जा रही हूँ मैं फिर से मैं आऊंगी 8 को सुबह दिस इज माई बस न्यू गोगी इट्स इलेक्ट्रिक बस काफ़ी लोग दिखते रहे मुझे सो आई एम नॉट अलोन आई कैन डू दिस Whenever I'm traveling alone, I'm more aware of my surrounding, दिन हो या रात हो और मैं अपनी locations भी अपने close ones को भेज के रखती हूँ हमने एक छोटा सा stop लिया था जहाँ से मैंने ये coffee ले ली थी उसके बाद 2:30 को जब मेरी bus आ गई इंदौर मैंने cab book किया और मैं directly airport पहुँच गई Inside airport right now और अभी तो counter भी नहीं खुला है See, दो ज़्यादा counters और वो खुला नहीं है आई रीच्ड मेरा मुंबई वाला घर 6:55 को लैंड हो गई थी फ्लाइट बट एक घंटा लग गया सिर्फ लगेज आने में हमारा जो चेक इन में दिया था ना एनी वे जैसे घर आई आई स्लेप्ट एंड इट्स करेंटली 11:28 मुझे ना रेडी होना शुरू करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू हेयर आउटफिट मेकअप नेल्स ऑल्सो लाइक कितने गंदे हो रहे हैं ये नेल्स सब कुछ खुद फिगर आउट करो ना तो थोड़ा समय भी लगता है एंड आई ऑल्सो नीड टू फिल्म दिस कॉन्टेंट ऑफ लाइक मी गेटिंग रेडी अलग से घर में चीला बना था कल तो मम्मी ने पैक कर दिया था तो वो मैं अभी नाश्ते में खा रही हूँ सो दिस इज द ब्लिंगी आउटफिट दैट आई बी वेयरिंग दिस इज द क्लच And these are the heels that I'll be wearing. Jewelry अभी decide नहीं किया है Either I will go for this, but इसका ये निकल गया था I will have to fix that. But this really matches well. And or I have this option. Everyone, I am ready. मुझे 2 घंटा लग गया ready होने के लिए मुझे पता है hairstyle मेरा कितना basic है मैं कुछ कर ही नहीं पाई hairstyle के लिए So I just created a sleek bun. This outfit is so pretty. This is the outfit. Look how gorgeous this is. ये हील्स भी एकदम मैच हो रहे हैं आउटफिट के साथ लेट मी बुक अ कैब एंड लीव 1 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने के लिए गाइस आई एम अबाउट टू रीच द इवेंट ट्रैफिक में फंस गई थी मैं 1 घंटा लग गया मुझे बट इट्स फाइन हनीकॉम से भी आ रहे हैं हनीकॉम इज द एजेंसी जो मुझे मेरी मार्केटिंग वगैरह देखती है माई मैनेजर इज ऑल्सो फ्रॉम हनीकॉम आई एम टाइड अप विद हनीकॉम यू गाइस नो दिस तो वो 3:30 तक पहुँचेंगे बट उससे पहले आई विल रीच एंड करिंग इज ऑलरेडी देयर मैंने माइग्रेन की स्टोरीज देख ली आई मेड इट टू द इवेंट ठीक है दीज आर लिपस्टिक्स जो करण ने लॉन्च किए मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ दैट्स मी बट अभी अंदर करण का ना इंटरव्यू चल रहा है इसकी वजह से वो अभी बाहर नहीं है आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन हियर ओके आकांक्षा इज हियर शी इज आलियाज़ बेस्ट फ्रेंड यू गाइस नो दिस ऑलरेडी राइट ओह शी लुक्स सो प्रीटी Not just a filmmaker, he's a trendsetter, a fashion icon, and now a beauty mogul. Please join me in welcoming the man of the hour, the visionary himself, Mr. Karan Johar. And sometimes you can be your own magician, and that's where I think Pout by Karan Johar was born. It is all about loving yourself. The first thing is that you cannot be embarrassed about loving yourself. No matter what, you have to own it like a movie star yourself. And we are all movie stars. This current left, ठीक है एकदम फटफट आया फटफट निकल गया. Event almost खत्म होने के आ गया है यहाँ. Going home via auto क्योंकि मुझे cab नहीं मिली. 15-20 मिनट distance दिखा रहा था, but it's okay. पूरा glam होके auto में बैठी. आई एम बैक होम 1.5 hours लग गए मुझे घर पहुँचने में क्योंकि जब पीक टाइम शुरू हो जाता है सो सारा ट्रैफिक साउथ बॉम्बे से इधर नॉर्थ की तरफ शुरू हो जाता है यस
आई सेड इट राइट, इसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ जाती है. एनीवे लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इवेंट. इट वाज अ नाइस इवेंट. आई रियली वाज फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट बिकॉज आई न्यू नोबडी देयर. इनफैक्ट जो मेरी हनीकॉम की टीम है वो भी मेरे से बाद आई, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग देयर ट्राइंग टू मेक अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन पॉसिबल. कोई नोन फेस हो तो उनसे जाके बात कर लूँ. आई मेट मोजेस. जो मन वाला सॉन्ग है ना येलो डायरी का, जिसमें मोजेस और तारिणी दोनों हैं, उनको मैंने रिकग्नाइज किया. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. आई ऑल्सो मेट आकांक्षा, क्लिक्ड अ पिक्चर विथ हर. I also met Karan for one second. Okay, I just told him, "Hi Karan, I'm Shalini. Can I take a picture with you?" That's it. That was my conversation with him. I wanted more time with him. Honestly speaking, I wanted to talk to him regarding beauty industry and what really made him after all this year of being in this Bollywood industry, finally coming to beauty industry. You know what else we can expect from this brand? ये सारी चीजें. But ठीक है, future में मौका मिलेगा, मिलेगा हमको मिलेगा ना. अभी तो ऐसा है कि भूख लग रही है, सो आई एम गोनो ऑर्डर विल चेंज एंड देन रैप एवरीथिंग अप, क्योंकि यहाँ बहुत मैस हो चुका है. ओके, आई चेंज थोड़े बहुत बर्तन जो बच गए हैं वो मैं मांझ लेती हूँ. एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग लॉट्स ऑफ कॉफ़ी. मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी बना के ना नीचे गार्ड जो है हमारे बिल्डिंग के उनको दे के आ जाऊँगी. चार पाँच गार्ड हैं तो वो कॉफ़ी पी सकते हैं, अदरवाइज पूरा मिल्क वेस्ट हो जाएगा. आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. ये मैंने ऑलरेडी मांझ दिए थे, बस धो रही हूँ मैं इसको. तो मैं बना रही हूँ मौके पे चौका कॉफी. ठीक है, दूध कॉफी डाल दिया है मैंने. शक्कर डालूंगी मैं इसमें, मैं तो शक्कर लेती नहीं हूँ. हमारे घर में मेहमान आते तो उनके लिए शक्कर रहता है. कॉफी और कॉफी का ग्लासेस रेडी, मैं नीचे देके आऊंगी.